नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज के साथ। बीजेपी कांग्रेस की खींचतान के बीच 58 लाख के रोडों का भूमि पूजन। जी हम बात करें नगर परिषद पांगरी की, जहां पर क्षेत्रीय विधायक कुणाल चौधरी ने विभिन्न वार्डों में जाकर 58 लाख की लागत से बनने वाले रोडों का भूमि पूजन किया। इस पूरे कार्यक्रम में एक बात विशेष रही कि नगर परिषद द्वारा फोन लगाकर सबको बुलाया गया, पर खुद नगर परिषद के कर्मचारियों ने कार्यक्रम से दूरियां बनाए। सूत्र बताते हैं कि राजनीतिक प्रेशर आने के कारण हम भूमि पूजन कार्यक्रम में नहीं जा सकते हैं। जब इस मामले में क्षेत्रीय विधायक कुणाल चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से विकास को रोकने की कोशिश की गई, ये जनता के लिए पैसा है, पिछले एक साल के लगभग से ऊपर हो गया और लगातार इसे रोकने की कोशिश की गई। टेंडर हो चुके हैं, ठेकेदार तय हो चुके, उसके बाद भी परिषद ने सबको बुलाया और उसके बाद आखिरी मोमेंट पर गायब होना स्पष्ट है। पार्टी विशेष लोगों के द्वारा कार्य को अवरोध किया जाना पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ। हर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य में साथ आना चाहिए। काला पीपल से बबलू जायसवाल की रिपोर्ट। आज नगर परिषद ने इनवाइट किया था भूमि पूजन के लिए, लेकिन नगर परिषद के एक भी कर्मचारी यहाँ पर नहीं आए। मुझे लगता है जिस प्रकार से विकास को रोकने की कोशिश करी, ये पैसा जो जनता के लिए पैसा आया था लगभग एक साल से ऊपर हो चुका है, लगातार रोकने की कोशिश करी जा रही, टेंडर हो चुके हैं, ठेकेदार तय हो चुके, उसके बाद भी काम को, जब नगर परिषद के द्वारा सबको बुलाया गया, इन्वाइट किया गया और आखिरी मूवमेंट के ऊपर जब गायब होना स्पष्ट है, पार्टी विशेष के लोगों के द्वारा कार्य को अवरुद्ध किया जा रहा। पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ कि हर दलगत राजनीति से ऊपर उठ के और लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के विकास कार्यों में साथ आना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। क्या समस्या ये है कि ये पैसा कांग्रेस शासन में आया था, पर कांग्रेस शासन में आया था तो भी ये जनता के लिए पैसा था, जनता को समर्पित है। हम लोग किसी भी स्थिति में, मैंने कलेक्टर से भी बात करी, मैं ऊपर भी बात करूंगा कि किस प्रकार से अधिकारों का हनन किया जा रहा है और जनप्रतिनिधियों के साथ और जनता के साथ धोखा करने का काम करा जा रहा है।